यामाहा आरएक्स 100 के लवर्स के लिए चाहने वालों के लिए एक नई खबर आ गई है। दोस्तों यामाहा आरएक्स 100 होगी मिनी बुलेट के तौर पर लॉन्च। नई कीमत और लॉन्च का समय भी मार्केट में आ गया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली बाइक्स की अपडेट्स मैं इस चैनल पर डेली देता रहता हूं। तो दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं यामाहा आरएक्स 100 के बारे में। नब्बे के दशक से लोगों के दिलों पर राज सिर्फ एक ही बाइक का था और वो थी यामाहा आरएक्स 100। उस समय लॉन्च हुई यह स्टाइलिश सेगमेंट की बाइक हाल भी लोगों के जहन में बसी हुई है। जहां आज के स्थान पर की जाए तो इसे पुराने समय में छोटा बुलेट कहा जाता था। यामाहा आरएक्स 100 को एक बार फिर भारतीय मार्केट में लाने के लिए कंपनी तैयार हो गई है। हाल ही में मिले रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इसे बस 2023 के अंत या वर्ष 2024 शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। नए सेगमेंट के साथ आने वाली इस बाइक में एक नई डिज़ाइन और क्लासिक लुक का इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले से काफ़ी आकर्षक लगने वाला है। यामाहा आरएक्स 100 को अपडेट करके चला रहे हैं लोग। यामाहा की इस सबसे प्रसिद्ध बाइक को लोग पुराने समय के स्टाइलिश अंदाज के साथ मॉडिफाइड करवाते हुए हाल भी चला रहे हैं। जहां बाजारों में कई बार यामाहा आरएक्स 100 का हालांकि यह मॉडल कंपनी द्वारा ऑफिशियल अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन लोग अपनी दीवानगी के अनुसार इस मॉडल को अपडेट कराने में रुचि दिखा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके गजब के फीचर्स और क्या सबसे अलग है। आरएक्स 100 को बेहतरीन फीचर के साथ आइकॉनिक डिज़ाइन में मार्केट में उतारा जाएगा, जिसे कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी के तौर पर एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इसमें वायर स्पोक व्हील, टेलीस्कोप फोकर से बना फ्रंट सस्पेंशन और डुअल शॉक एब्जॉर्वर से निर्मित रियर सस्पेंशन हो सकता है। वहीं इसमें विशेष डिजिटल टेक्नोलॉजी के चलते कनेक्टिविटी फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। फिलहाल इस बाइक के इंजन स्पेक्स से जुड़ी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट में अगर माने तो इस बाइक में कंपनी ने 2-स्ट्रोक इंजन की जगह इसे 4-स्ट्रोक इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है। यामाहा इस नई बाइक में 125 से लेकर 150 सीसी कैपेसिटी वाले इंजन के साथ पेश कर सकती है। यह नया इंजन BS6 उत्सर्जन मानदंडों के साथ पेश किया जा सकता है। कंपनी ने इस नई बाइक को एक बड़े इंजन के साथ लॉन्च करने का फिलहाल विचार कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यामाहा आरएक्स 100 अपने डिज़ाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अब इस बाइक को और भी ज़्यादा बेहतर स्पेक्स और फीचर्स के साथ लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों अब हम फाइनली बात कर लेते हैं यामाहा आरएक्स 100 कब होगी इंडिया में लॉन्च। यामाहा अपनी कंपनी की इस आइकॉनिक गाड़ी की बढ़ती डिमांड के चलते जल्द ही पेश करेगी। जहां हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी इस बाइक को 2023 के अंत में या फिर 2024 की शुरुआत में मार्केट में उतार सकती है। जहां इसकी कीमत की बात करें तो मध्यम बजट और बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी इसे 1,00,000 की कीमत के आसपास ही लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों आपको यामाहा आरएक्स 100 की इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस और कब होगी लॉन्च की डेट पता चल गई है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर जरूर करिए जिससे लोगों को भी पता लग सके, और इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह बाइक कैसी लगती है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली बाइक्स की अपडेट्स हम डेली मिल सके। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।